Good afternoon, everyone. Today we are going to start with the introduction of statistics. So basically, statistics, if a layman wants to understand what is statistics, he will say that it's a collection of facts. तो आपको भी यही समझना है कि statistics is what collection of facts. But जैसे जैसे हम बड़े हो गए, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े हो गए मतलब क्या, with the evolution of time and with all the technologies coming in, nowadays statistics does not only limits itself to collection of facts but also drawing out inferences from it. Sir, एक तो real life example दीजिए. Complaint card देखा आप लोगों ने, complaint पीने वालों के बच्चों की height बाकी से 2% या 2 सेंटीमीटर जो भी होता है ज्यादा होता है. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विथ एन इंफरेंस. तो उन्होंने क्या किया होगा, 10 बच्चे को सपोज करो एक्स पिलाया, बाकी 10 बच्चों को उन्होंने कॉम्प्लान पिलाया, इपांग भूपांग जापांग करते करते वो बच्चे बाकी बच्चे से 2 सेंटीमीटर ज्यादा ग्रो कर गए. इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली नाउअडेज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विथ इन्फरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम इट. प्लस वन मोर थिंग, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी अब एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी गेन कर चुका है. स्टैटिस्टिक्स इज नाउ टेकन अप एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. इट इज नॉट अ पोर्शन ऑफ समथिंग एल्स. It is a separate domain in which people have started working in. Have you heard about data analytics? अगर आप आज के डेट में अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के 20-30% पोस्ट्स आर रिलेटेड टू बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स. ये सब क्या है? मशीन लर्निंग. दिस आर ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स टू मूव फॉरवर्ड विद अदर चैप्टर्स, फर्स्ट we have to know the meaning of statistics, how do we define statistics, what are the characteristics of statistics, etc. aur ye statistics ka origin kahan se aaya, bahut important hai. agar aapko origin ka hi pata nahi rahega to aap aage kaise badhoge? kahin se to originate hua hi hoga na. bina originate hue to koi bhi nahi aaya, hum bhi nahi aaye, hamara bhi origin hum sabko pata hai. वैसे ही statistics ka bhi origin humko janna chahiye. ab kya hai, hum to us samay mein the nahi कि हम आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकेंगे, ना ही जो राइटर है वो था. तो थ्रू द रिसोर्सेज अवेलेबल दे हैव फाउंड इट आउट सम ओरिजिन. क्लियर? तो बेसिकली इस चैप्टर हमको सीखना है प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, हाउ डू वी प्रेजेंट स्टैट्स, हाउ डू वी ड्रॉ डायग्राम्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा. ये सब चीज हम लोग को सीखना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कलेक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ datas are there and all these things. Clear? Which will form a ladder, a step ladder towards other chapters. So moving ahead, see, जो चीज मैंने बोला मैं रीड आउट भी करूंगा ताकि आपको इस चीज का ट्रस्ट हो सके जो हमारे सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. ऐसा नहीं है घर में पढ़ के आया हूं, पढ़ना तो सबको ही पड़ता है. आई शुड नो व्हाट द कोर्स कंटेंट इज ऑल अबाउट. सो बेसिकली मैं जब स्टार्टिंग में बोलूंगा मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं पूरा पैराग्राफ रीड आउट करूंगा ताकि अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी आप समझ जाए. द मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, बट ऑल्सो इन आवर लाइफ लाइक पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, पुलिस एंड मिलिट्री एक्सेट्रा, डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नोन एज स्टैटिस्टिक्स. आज आपको पता है कोई भी आपके सामने ब्रांडिंग करने आता है. कल ही मेरे पास एक इंस्टीट्यूट आया ब्रांडिंग करने के लिए अपना. तो हाउ डज दे ब्रांड देमसेल्व्स? बाय शोइंग द स्टैट्स. दे शो द स्टैट्स. देखिए हमारे पास 300+ इंस्टीट्यूट साइन कर चुके हैं हमारे साथ, हमारा ये सर्विस है, इतने स्टूडेंट्स अवेल कर रहे हैं, इतना हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा है, बाकी लोग के पास देखिए ये है. सो दे आर शोइंग अस द स्टैट्स, दे आर शोइंग अस द स्टैट्स. हु इज अ बेटर प्लेयर? कैसे समझ में आता है? बाय सीइंग द स्टैट्स. क्लियर? हमको बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा एक इंसान अच्छा है एक इंसान बुरा है, ये उसके एक्टिविटीज के स्टैट्स जो लॉग होता है उससे समझ में आता है. ठीक है? स्टैटिस्टिक्स डज प्ले अ वाइटल रोल इन रीचिंग अ स्पेसिफिक डोमेन बाय कलेक्टिंग डेटा इन दैट फील्ड, एनालाइजिंग द डेटा एंड
by applying various statistical techniques and finally making statistical inferences about the domain. Inferences means conclusion. In the present world, statistics is almost a universal application. Our government applies statistics to make the economic planning in an effective and pragmatic way. The businessmen plan and expand their horizons of business on the basis of the analysis of the feedback data. The political parties try to impress the general public by presenting the statistics of their performances and accomplishments. Most of the public by presenting the statistics of their performances and accomplishments. Most of the research scholars of today also apply statistics to present their research papers in an authoritative manner. Thus, the list of people using statistics goes on and on. Due to these factors, it is necessary to study the subject of statistics in an objective manner. Clear? Isko importance ko deny karne se nahi chalega. Theek hai? Say for example, multiple course hai hamare yahan to. Hamare India mein multiple course hai. But by showing the stats, one can get influenced by a particular course. खाली मुंह से बोलेंगे हाँ ये कोर्स कर लो तो आप उससे उतने अट्रैक्ट नहीं होंगे. जब मैं आपको टेबल शो करूंगा इतने बच्चे ने ये कोर्स ज्वाइन किया था, इतने बच्चे सक्सेसफुल हुए, अब इतने बच्चों का सैलरी इसके बीच में है, तो यू विल बी मोर अट्रैक्टेड. क्लियर? यू विल बी मोर अट्रैक्टेड. व्हाई डू पीपल ज्वाइन प्रोफेशनल कोर्स? बाय सीइंग द स्टैट्स ऑफ अ नॉर्मल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड बाय सीइंग द स्टैट्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोफेशनल पीपल, द ग्रोथ इज क्वाइट मोर इन केस ऑफ पीपल डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज एंड द ग्रोथ इज वेरी एवरेज द पीपल जस्ट डूइंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. वी डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स हेयर. एक बंदा का 40 लाख का सैलरी लग गया ग्रेजुएशन करके तो या हम चलो सब ग्रेजुएशन करते हैं सिर्फ. ऐसा नहीं होता बेटा. एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. उस बच्चे में ऐसा कुछ होगा ठीक है जो हम बाकी सब में नहीं है. तो वी नीड टू वर्क हार्ड मोर. क्लियर? यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू वॉन्ट टू ब्रांड योर सेल्फ बेटर, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड बेटर, यू हैव टू स्टू स्टैटिस्टिक्स इन अ वेरी ऑथराइज मैनर. कमिंग अप टू हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सी इन दिस आई हैव बीन सीन की वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट BC, बहुत पहले का बात कर रहे हैं एंड बहुत आगे का बात भी कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन का भी बात कर रहे हैं. तो इससे क्या समझ में आता है, पहले के जो राजा महाराजा थे ना, वो कितने इंसान ने जन्म लिया, कितने इंसान मर गए या कितने लोग उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रेन में है, ये सब चीज़ के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता था. बेसिकली जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ हेड्स एंड सो. बट विद द एनरिचमेंट ऑफ लाइफ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट इन अ बेटर मैनर. Going through the history of ancient period and also that of medieval period, we do find ye sab aap history mein sunenge ancient medieval. So going through the history of ancient period and also that of medieval period, we do find the mention of statistics in many countries. However, there remains a question mark about the origin of the word statistics. Say for example, ye bolta hai are statistics to is word se aa raha, ye word German hai. अरे नहीं नहीं तुम गलत बोलता है, स्टैटिस्टिक्स लैटिन वर्ड से आया है. फिर दूसरा बोलेगा अरे नहीं नहीं फ्रेंच वर्ड से आया है. सो देयर इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क अबाउट अ स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स. डिफरेंट कंट्री हैव लेड डाउन डिफरेंट नेम्स. वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस. According to another school of thought, it had its origin in the Italian word statista. Some scholars believe that German word statistic and was later changed to statistics. And another suggestion is that French word statistique was made as statistics with passage of time. So basically, now in the era of multiple choice question, we do understand the importance of each and every minute data. So what do we understand from this particular paragraph is that statistics is derived from Latin word status, German word statistic, French word statistique and Italian word statista. So you need to write down like this: Latin word status, Latin word status, German word statistic, German word statistic,
French word statistique and Italian word statista. चार अलग अलग लिखना आपको. लेटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिके एंड जर्मन एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा. तो सर इसको याद रखने का कुछ इजी टेक्निक है क्या? हाँ है ना, मेरा पंच लाइन्स यू नो एज इट इज वेरी फेमस ऑल ओवर द कंट्री. सो यू नीड टू मेक इट वेरी ऑब्वियस. हो सकता है हल्का सा क्रिस्पी नहीं हो, बट ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा. द पंच लाइन टू रिमेंबर दिस थिंग्स आर, क्या तुम्हारा औकात है, सुन लेना पहले फिर लिखना, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए. दैट मीन्स क्या तुम्हारा औकात, एंड वी ऑल नो अ लेमैन अंडरस्टैंड स्टेटस का मतलब होता है औकात. करेक्ट. लैटिन वर्ड स्टेटस का मतलब हो सकता है स्टैटिस्टिक्स, बट हमारे इंडिया में स्टेटस मतलब क्या होता है, इट्स औकात. दुगना लगान देना होगा तुमको औकात. ठीक है, तो क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए. फुटबॉल में होता है एक बॉल, उस बॉल को हम करते हैं किक. किक के लास्ट में क्या आया, के. तो जर्मनी फुटबॉल किक स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबी क्यू क्यू टिके टिके क्यू यू ई बारबी क्यू में इटालियन डिश पास्ता खाने का. आस्ता लिस्ता वास्ता पास्ता आया स्टैटिस्टा. तो औकात इज स्टेटस, जर्मनी फुटबॉल किक स्टैटिस्टिक, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू स्टैटिस्टिके एंड इटालियन डिश पास्ता स्टैटिस्टा. सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल द फोर थिंग्स विदाउट एनी कंफ्यूजन. सो द लाइन इज, क्या तुम्हारा औकात है, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू में इटालियन डिश पास्ता खाने का. क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू में इटालियन डिश पास्ता खाने का. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन दोज. औकात, पास्ता, बारबेक्यू एंड देन जर्मनी का फुटबॉल, दैट इज फुटबॉल. ब्रैकेट में लिखेंगे किक, ब्रैकेट में लिखेंगे किक. Clear. Moving ahead, in those days, statistics was analogous to state, or to be more precise, the data that are collected and maintained for the welfare of the people belonging to the state. We are thankful to Kautilya. Kautilya is the name of the author who has written the book Arthashastra. Who has written the book Arthashastra during Chandragupta's reign in the 14th century BC. During the reign of Akbar in 16th century AD, मैंने क्या कहा था, हमने BC का भी information दिया है, AD का भी information दिया है and current period का भी information दिया है. So Kautilya has written which book, Arthashastra, in whose reign, Chandragupta Maurya's reign. And here we are talking about, next is Akbar reign, N.I. Akbari by Abul Fazal. That is statistical records on agriculture. Then referring to Egypt, the first census was conducted by Pharaoh during 300 BC to 2000 BC.
ठीक है. सो वी गेट हियर थ्री इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, थ्री इंपॉर्टेंट माइन्यूट इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई द ऑथर कौतल्या. एनआई अकबरी वॉज रिटन बाई अबू फजल. एंड अर्थशास्त्र वॉज इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य. एनआई अकबरी वॉज इन द रेन ऑफ अकबर. एनआई अकबरी में क्या रिकॉर्ड्स मिलता था? स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर. एंड अर्थशास्त्र में नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ पीपल. एंड अबू उसके बाद फारो ने क्या किया था? इन द ईयर 300 बीसी टू 2000 बीसी ही शी कंडक्टेड व्हाट? कंडक्टेड व्हाट? फर्स्ट सेंसस. सो फर्स्ट सेंसस वाज रिकॉर्डेड बाय हूम? फारो. इन द ईयर 300 बीसी टू 2000 बीसी. क्लियर? नाउ वी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन टू वेज. सो यू राइट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द मिडिल ऑफ योर कॉपी. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द मिडिल ऑफ योर कॉपी. Definition of statistics in the middle of your copy. Definition of statistics in the middle of your copy. ठीक है. Singular and plural. Singular and plural. You have to take out two arrows from it. Singular and plural. When we talk about statistical data, it is plural. Plural ke niche likhna hai statistical data. Plural ke niche likhna hai statistical data. And singular ke niche likhna hai statistical method. So when you talk about data, that is plural statistics. Plural statistics. When you talk about methods, that is singular statistics. So we may define statistics either in a singular sense or in a plural sense. Statistics, when used as a plural noun, may be defined as data, qualitative as well as quantitative, that are collected usually with a view of having statistical analysis. However, when statistics is used as a singular noun, may be defined as a scientific method that is employed for collecting, analyzing, and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences. उसके नीचे लिखना आपको statistical method के नीचे लिखना आपको statistical method के नीचे लिखे CAPI, copy. CAPI, copy. CAPI, copy. What is copy? Collection, analyzing, presenting and inferences. C stands for collecting. A stands for analyzing. P stands for presenting. And I stands for inferences. And I stands for inferences. And I stands for inferences. Clear? And statistical data, no need to explain. What is data? When raw information is processed, it becomes what? Data. Sirf gaya, sab likh liya, that is information. And when you process it to a particular format, it becomes data. It becomes data. Clear? Okay, moving on to next. एक बार ध्यान रखना, दिस सिंगुलर नाउन दैट सिंगुलर सेंस इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस. राइट इट देयर ओनली. साइंस ऑफ काउंटिंग ऑब्लिक साइंस ऑफ एवरेजेस इन सिंगुलर सेंस. साइंस ऑफ काउंटिंग ऑब्लिक साइंस ऑफ एवरेजेस. साइंस ऑफ काउंटिंग ऑब्लिक साइंस ऑफ एवरेजेस. बिकॉज एन एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड statistics when defined in a singular sense is termed as ABCD. One of the options will be science of counting. The answer will be science of counting. Clear? Next, application of statistics almost in every field, whether it be management, whether it be economics, whether it be commerce, statistics is applicable. We'll just read out one by one. Economics.
modern developments in economics have the roots in statistics. In fact, economics and statistics are closely associated, because if you want to understand the economy of the country is explained well with the statistics. Clear? Time series analysis, index number, demand analysis, etc. are some overlapping areas of economics and statistics. In this connection, we may also mention econometrics, a branch of economics that interact with statistics. I find this line very important. Econometrics, that is a branch of economics that interact with statistics in a very positive way. See, I just don't want you to grow up as an examinee. Let me tell you the meaning between the two. Examiner, the one who conducts an exam. Examinee, one who gives an exam. I just don't want my level of teaching to be confined to a level which will only grow you up as a student. I want to grow you up as a person. This all kinds of words, when comes in real life, it is assumed that you will know these meanings. एक नॉर्मल सा इंटरव्यू तुमसे पूछ दिया इकोनॉमेट्रिक्स क्या होता है आफ्टर बीइंग सो गुड इन ऑल दिस कोर्सेज और बी इट बी एनी अंडरग्रेजुएट कोर्स हो प्रोफेशनल कोर्स आपको इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब पूछ दिया यू डोंट नो हाउ बैड इट फील्स इट्स अ काइंड ऑफ गिल्ट विच यू विल हैव ऑलवेज इट्स अ सिंपल मीनिंग यार इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वो इकोनॉमेट्रिक्स बस खाली नॉलेज का ही दरकार था ना वही तो लेने यहाँ आए हो ठीक है तो इकोनॉमेट्रिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इंटरैक्ट विद स्टैटिस्टिक्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे दिस व्हाट हेल्प्स अस टू मेक रीड जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज को रीड नहीं करोगे आप उसके इन डेप्थ नॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज एंड एनालाइजिंग द डेटा डिराइव्ड फ्रॉम इट आर मेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड रिग्रेशन एनालिसिस वन ऑफ द न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ की रोल इन इकोनॉमिक्स फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स सेल्स प्राइस एक्सेट्रा विच आर ऑल इंग्रीडियंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिजनेस मैनेजमेंट Gone are the days when the managers used to make decision on the basis of hunches, intuition, or trials and error. एक सेंटर वॉल ले लेते हैं क्या बोलता है हाँ मेरा इंट्यूशन बोल रहा है ये वीडियो लाइव जाने के बाद बहुत बच्चा आएगा ले ले एक सेंटर और तुम्हारा इंट्यूशन चला गया उसको पुराने जमाना में होता था दिल बोल रहा है कर लेते हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं बेटा अब यहाँ पे दिल कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे जो बोलता है फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलता है वी यूज टू टीच इन अ वेरी स्मॉल प्लेस इट वॉज नियर अबाउट 14 और 15 कैपेसिटी फ्रॉम देयर वी हैव ग्रोन टू 100 प्लस कैपेसिटी सो इंट्यूशन नहीं बोला था 100 प्लस ले लो एक दिन होगा नहीं जिस दिन हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आया कि नहीं अब 14 प्लस से नहीं होगा वी वेंट टू 25 प्लस जिस दिन आपको पता चला 25 प्लस से नहीं होगा वी वेंट टू 50 प्लस जिस दिन समझ में आया कि 50 प्लस से नहीं होगा वी वेंट टू 100 प्लस सो नाउअडेज बिजनेस डिसीजंस आर स्ट्रांगली टेकन बाय द फिगर्स विच आर प्रेजेंटेड ब्यूटिफुली बाय स्टैटिस्टिक्स भाई मेरा डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए मेरे को नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना पड़ेगा या उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सटेंशन करना पड़ेगा या शिफ्ट बढ़ाना पड़ेगा तो दिस आर द बिजनेस डिसीजन विच आर टेकन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो गॉन अदर डेज व्हेन द मैनेजर्स यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हंचेस इंट्यूशन और ट्रायल्स एंड एरर्स नाउअडेज बिकॉज ऑफ द नेवर एंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री एनवायरमेंट मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलाय अपॉन डिफरेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स which could be described as a combination of statistical methods and operation research techniques. What is operation research? You will later on understand if you have it sometime in your syllabus. It is there in BBA, it is there in CA final or any of the CMA final. Operation research basically deals with chapters like simulation, assignment, transportation. ये क्या करता पता है? Man-to-man marking करता है. असाइनमेंट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ऑपरेशन इसे एक छोटा सा चैप्टर है किस बंदे को क्या जॉब देना है वो बताता है ताकि आपका कॉस्ट मिनिमम आए क्रिटिकल पार्ट मेथड हमको बताता है कि मेरा प्रोजेक्ट कम से कम कितना टाइम लेगा
एंड कौन सा एरिया है जहां हम ढील नहीं दे सकते, कौन सा एरिया है जहां हम ढील दे सकते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन टेक्निक्स गेट टुगेदर एंड टेक बिजनेस डिसीजंस. सो फार एज स्टैटिस्टिक्स कंसर्न, इन्फ्लुएंसेस अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ए पार्ट ऑफ इट नोन एज सैंपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया. Statistical decision theory is another component of statistics that focuses on the analysis of complicated business strategies with a list of alternatives, their merits as well as demerits. Iska matlab har decision ka kuch pros hota hai, kuch cons hota hai. Now coming up to commerce and industry. In this age of cutthroat competition, like the modern managers, the industrialists and the businessmen are expanding their horizons of industries and businesses with the help of statistical procedures. Data on the previous sales, raw materials, wages and salaries, products of identical nature of other factories, etc. are collected, analyzed and experts are consulted in order to maximize profit. Matlab hum kya karte hain? हम अपने फर्म का सारा डेटा कलेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देते हैं एक एक्सपर्ट के सामने, एंड वो एक्सपर्ट अपना स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाता है एंड देन एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है विदर यू आर गोइंग राइट, विदर यू गोइंग रॉन्ग, और अगर वो रॉन्ग है तो कौन सा एरिया नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फर्दर. ठीक है, measures of central tendency and dispersion, we will come back to this syllabus, correlation and regression analysis, time series analysis, index them all, sampling, statistical quality control are some of the statistical methods employed in commerce and industry. Now before moving on to the limitation of statistics, I want you to study the characteristics and functions of statistics. So write down characteristics of statistics. Or you can write it like this, characteristics of the numerical data to be called statistics. उस numerical data के अंदर ऐसा क्या essence होना चाहिए, ऐसा क्या character होना चाहिए कि उसको हम लोग क्या बुला सके, statistics बुला सके. सारा numerical data statistics नहीं होता है. जो numerical data ये characteristics को withhold करेगा वो statistics बुलाया जाएगा. ठीक है, और यू कैन से दैट स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिकली. क्लियर, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल डेटा आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. इस पॉइंट से ये समझ में आता है अ सिंगल डेटा कैन नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, इट हैज टू बी एग्रीगेट. मैंने कभी भी ये नहीं कहा अ सिंगल पर्सन, इट इज अ सिंगल डेटा. सपोज करो एक आईपीएल का मैच, सिर्फ एक ही आईपीएल का मैच होता, सिंगल आईपीएल का मैच, उसका क्या डेटा होता? वी नीड मोर डेटास टू प्रेजेंट स्टैट्स. ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेयर सिर्फ एक ही मैच खेला हो, बट वी आर नॉट कन्फाइंड टू अ रेस्ट्रिक्टेड लिमिट, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी. इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. अ सिंगल डेटा डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स. एक बच्चा का वेट है 150 kg, उसका क्या एवरेज होगा? एवरेज के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल आई एम द सोल पर्सन ड्राइविंग अ कार. ठीक है, तो जनरली इंडिया में स्टेयरिंग इज ऑन द राइट हैंड साइड, बट वी हैव कंट्रीज वेयर स्टेयरिंग इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट इन इंडिया स्टेयरिंग इज ऑन द राइट हैंड साइड. आई एम अ हैवी वेट पर्सन. ठीक है, सो इफ आई एम अ हैवी वेट पर्सन, विल आई थिंक अबाउट इफ आई सिट ऑन द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड विल गेट अप? No, we do not think this. But suppose if there are 3 heavyweight person, or there are 1 heavyweight person, 1 light person, and a driver. So what the driver would suggest? To maintain the balance, that particular heavyweight person will sit here, and the driver and lightweight person will sit here to keep up the balance.
बट एक ही इंसान है, एक ही गाड़ी है, तो क्या है? पता है उसको वहीं बैठना पड़ेगा। आप चीज को समझो। तो बोलना क्या चाह रहा है? न्यूमेरिकल डेटा आर व्हाट? न्यूमेरिकल डेटा शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अ सिंगल फिगर कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट दे आर अनरिलेटेड एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सेकेंड पॉइंट, मस्ट बी अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, मस्ट बी अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज और फैक्टर्स। मस्ट बी अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, MARKED, टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय अ मल्टीप्लिसिटी और बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज और फैक्टर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा आप कलेक्ट किए हैं दैट शुड गेट अफेक्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। आप बताओ ना, डिमांड को किससे फर्क पड़ता है? प्राइस से, सप्लाई से? प्राइस से फर्क पड़ता है। तो क्या डिमांड इज अफेक्टेड ओनली बाय प्राइस? नो, और भी रीजंस है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एक्सेट्रा। तो वही बोल रहा है, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी अफेक्टेड विथ मल्टीपल फैक्टर्स, दैट शुड बी ड्रिवन अवे बाई मल्टीपल फैक्टर्स। पॉइंट नंबर थ्री, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड तू गरीब है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इस देश में 40% इंसान गरीब है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। भाइयों और बहनों, 125 करोड़ की आबादी में अगर तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम होशियार हो, तुम गधे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कितने परसेंट लोग अच्छे हैं, कितने परसेंट लोग खराब है, या इस 125 करोड़ की आबादी में कितने लोग चौकीदार है। तुम चौकीदार हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चौकीदार हूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और टोटल एग्रीगेट कितने लोग चौकीदार है, उससे मुझे फर्क पड़ता है। सो बेसिकली देर आर सर्टेन एक्सप्रेशन विच इज लेम। यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर रिच, यू आर पुअर, यू आर डोंकी, यू आर मोंकी, यू आर इंटेलिजेंट। ये सब चीज को, ये सब एक्सप्रेशंस को स्टैटिस्टिक्स से फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स ही फर्क पड़ता है। पॉइंट नंबर फोर, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी आइदर एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी आइदर एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी आइदर एस्टिमेटेड और इन्यूमरेटेड। इसका मतलब क्या है? इट इज एस्टिमेटेड या इट इज अ रिपोर्ट विच वी हैव इन्यूमरेटेड। यू कैन नॉट गिव योर ओन स्टैटिस्टिक्स। मेरे हिसाब से तो ये है, नहीं भाई, इट शुड बी आइदर एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन अ सैंपल और इट शुड बी इन्यूमरेट फ्रॉम द रिपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल डेटा डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड पर्पस ऑफ इंक्वायरी। न्यूमेरिकल डेटा डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड पर्पस ऑफ इंक्वायरी। न्यूमेरिकल डेटा डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड पर्पस ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर डिटरमाइंड पर्पस।
collected in a systematic manner for determined purpose. Collected in a systematic manner for determined purpose. Collected in a systematic manner for determined purpose. And the next point is, must be capable of being compared. Must be capable of being compared. Must be capable of being compared. Clear? Next, limitations. सबसे पहला limitations मेरे हिसाब से है, statistics is concerned with quantitative data only. ये मेरे लिए सबसे पहला limitations है, ये qualitative factor को concern में नहीं लेता. However, there are certain qualitative data which can be converted to a quantitative data. इसका मतलब the qualitative data which has the capability of being expressed numerically, वही हम लोग ले सकते हैं statistics में. उसके बाद ये सब क्या है, estimated है. Whatever projections we are giving, these are estimated based on certain kind of assumptions. तो ये आपको absolute assurance नहीं देता है, reasonable assurance देता है. अगर आपका assumptions के हिसाब से economy move किया, अगर आपका assumptions के हिसाब से factors move किए, तो ये result आपको approximately सही लगेगा. लेकिन अगर आपका assumptions में कहीं भी गलती हुआ, तो आपका answer, inference जो आया, वो completely wrong हो सकता है. ऐसा हुआ भी है. People invest in a particular project after analyzing a lot of factors and after assuming a lot of things. I started teaching in my life assuming what? Students might like my techniques. This was my assumption and that's why I started teaching. So if my assumptions were vague, if my assumptions were wrong, then the projection which I have made for myself in the coming years will be unsuccessful. So whenever you are talking about the future projections, they are also, they are always what? They're always estimated. That is, they are not absolutely correct. They are reasonably correct. Next, the first point is what? It does not deal with individual data. It deals with the aggregate of data. The theory of statistical inference is built upon random sampling. If the rules for random sampling are not strictly adhered to, iska matlab, the statistical theory is based on what? Random sampling. And random sampling has got certain rules. So, if you do not adhere, if you do not adopt the rules very strictly, then the conclusion drawn on the basis of this unrepresentative samples would be erroneous. Matlab, galat niklega. इसका मतलब आप जो भी कर रहे हो वो करने से पहले आप एक्सपर्ट से सलाह ले लो. एक पॉइंट जो यहां मिस है, मेरे को जो लगता है, दैट इज मिसयूज. स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड. कैसे? गिव मी वन लाइव एग्जांपल. हमारा बचपन बीता है उससे, क्रिश पार्ट टू जो निकला था, दैट इज जादू का सीक्वल. उसमें क्या किया गया था? स्टैटिस्टिक्स एंड साइंस का मिसयूज किया गया था. तो ये कहावत भी है कि स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ क्ले. स्टैटिस्टिक्स एक क्ले, एक मड, मिट्टी की तरह है, जिससे चाहो तो भगवान की मूरत बना लो. दैट मीन्स वॉट? यू कैन आइदर मेक अ गॉड आउट ऑफ इट और अ डेविल. तो स्टैटिस्टिक्स वो मिट्टी है जिससे आप चाहो तो भगवान की मूरत बना सकते हो और चाहो तो हैवान का मंदिर भी. तो इट कैन बी मिसयूज्ड. सी बॉम्ब्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द डिफेंस टीम, दैट इज फॉर व्हाट? बीइंग मिसयूज्ड और बीइंग यूज्ड इन टर्म्स ऑफ नीड. इन टर्म्स ऑफ नीड, वी हैव ऑल सीन मार्वेल, राइट?
Marvel is very famous among our teenagers and all those young generation people. We say there are always two people. One is for the for and one is against. यही तो हो रहा है. They all are using technology. One for the betterment of the society, another for destroying the society. So statistics is that technology, that matter of concern with which we can prepare a good reports. With good reports, we can prepare a better future. And otherwise, using that technology, you can also destroy the future. जैसे कि एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. हम लोग ग्रीन वार्मिंग जोन जो है, ग्रीन हाउस पढ़ा है 19 कि भाई बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एटमॉस्फेयर में, पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये करो वो करो. तो जिनको डिस्ट्रॉय करना होगा वो और करेंगे, और जिनको क्या करना होगा, जिनको बचाना होगा वो ये स्टैटिस्टिक्स देख करके प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वगैरह इनिशिएटिव लेंगे. समझ लेना आप. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. राइट डाउन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. राइट डाउन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. पॉइंट नंबर वन, रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. Represents the facts in the form of numerical data. Represents the facts in the form of numerical data. Simplifies complicated data in a presentable, understandable, and precise format. Simplifies complicated data. Simplifies complicated data. In a presentable, understandable, and precise figures. Third, classifies numerical facts facilitates comparison a step towards framing and testing hypotheses of various kinds. A step towards framing and testing hypothesis of various kind. Helps us to know the future trend. Helps us to know the future trend. Helps us to know the future trend. Decision making in a effective and smooth manner clear? Let us move on. Collection of data. We may define data as a quantitative information about some particular characteristics under consideration. Although a distinction can be made between a qualitative characteristic and a quantitative characteristic, but so far as the statistical analysis of the characteristics is concerned, we need to convert qualitative information to quantitative information by providing a numeric description to the given characteristics. In this connection, we may note that a quantitative characteristic is known as a variable, or in other words, a variable is a measurable quantity. Clear? Write down this line, very important. A quantitative characteristics is known as variable. A quantitative characteristics is known as variable. Circle that variable, and you can write it down
by giving an arrow measurable quantity. Measurable quantity. Measurable quantity. Next up, which you can see that it is of two kinds. One is discrete and the other one is discrete and the other one is continuous. अब दोनों के जब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देंगे हम तुमको. आइसोलेटेड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट वैल्यूज. सी इफ यू टॉक अबाउट एज ऑफ अ पर्सन, आई एम स्पीकिंग टू यू ओवर द फोन, आई एम स्पीकिंग टू यू ओवर द फोन एंड द टाइम इज 11:59:30 इन द नाइट. Just while speaking, my first question was towards you was, what is your name? My name is so and so. Second question will be, can I know your age? My answer will be 26 years. And as soon as I answered it, the clock ticks 12 and I moved on to 27. So we see that age is a continuous variable. It keeps on moving. So whenever you are comparing something with age, you cannot have a person says that, yeah, he is 26. No, he is not 26. He is 26 plus. We always say that 26 plus. Clear? Talk about discrete values. Discrete values means isolated values. Can someone say that? कोई ऐसा बोल सकता है क्या भाई? यार आधा एक्सीडेंट हुआ है, आधा चल रहा है अभी. नहीं भाई, नहीं हुआ एक्सीडेंट, या एक एक्सीडेंट हुआ है, दो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ऑथर. इफ यू डोंट नो, आई एम अ ऑथर ऑफ 7 to 8 बुक्स एंड मोर 6 to 7 बुक्स आर इन द लाइन अप. सो वेन आई से दिस, आई एम द ऑथर ऑफ 6 to 7 बुक्स, ठीक है. लाइक I am author of 7 books, correct? And more 6 to 7 books are in lineup. So I will never say this 10 and a half. Can I say this 10 and a half books author hu main, assuming that 50% of the work is done? No. Number of petals in a flower, it cannot be 7 and a half, it can be either 7 or 8. So it does not contains that continuous factor. It is an isolated value. It can be 1, it can be 2, can be 3, like that. So reading up, countably infinite number of isolated values, it is known as discrete variable. Examples of discrete variables can be number of petals in a flower, the number of misprints a book contains, the number of accidents in a particular locality, and so on. A variable, on the other hand, is known to be continuous if it can assume any value from a given interval. Okay, examples of continuous variables can be height, weight, sale, profit, and so on. Finally, a qualitative characteristic is known as attribute. Very important that a qualitative characteristic is known as what? Attribute. Examples are given: gender of a baby, nationality of a person, color of a flower. Aapko pata hai, it might seem very lame to you, but questions have been asked like this in the previous years. Nationality of a person is dash, number A. Qualitative, number B. Quantitative, number C. Both A and B. Number D, none of the above. Answer is qualitative. It's a character, it's an attribute which I have. So qualitative characteristics is known as what? Attribute. And when that particular attribute gets a numerical form, it becomes what? It becomes what? Quantitative data. So data can be broadly classified as primary and secondary. This is how we can collect data, actually, not classify data. It is basically collection of data. Now collection of data can be by primary method or by secondary method. When we are collecting the data of our own or by our own authorized sources, then it is primary data. And when we have given
we are using someone else data, then it is a secondary data, which is also known as derived data. Let us go ahead. Collection of data plays a very important role for any statistical analysis. It's very important that how you collect the data. Which source do you find the most effective source? Obviously, primary data. मैंने खुद जाके डेटा कलेक्ट किया है, हो सकता है डेटा का एक्यूरेसी गलत हो, बट इट इज मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, गोइंग डोर टू डोर एंड आस्किंग फॉर इट रादर दैन यूजिंग समवन एल्स डेटा. इट कैन बी ऑथेंटिक, इट कैन नॉट बी ऑथेंटिक, यू नेवर नो. इट इज कलेक्टेड, वी कैन जस्ट रिलाय ऑन द ब्रांड फ्रॉम विच वी आर टेकिंग इट. So collection of data plays the very important role for any statistical analysis. The data which are collected for the first time by an investigator or agency are known as primary data. That means data collected for the very first time is known as what? Primary data. Whereas the data are known to be secondary if the data has been already collected or used by a different person or agency. Thus, if professor, you can say Vivek Patwari, collects the data on the height of every student in his class, then this would be primary data for him. If, however, another person, say Professor Ankit Patwari, uses the data as collected by Professor Vivek Patwari for finding the average height of the students belonging to that class, then the data would be secondary for Professor Ankit Patwari. The person who collects the data by himself for the very first time is known as what? Primary data. And if his collected data is used by someone else, then for that particular person, that particular data will be treated as what? Secondary data. Clear? What are the methods of collecting primary data? Interview method, mailed questionnaire method, observation method, and questionnaires filled and sent by enumerators. Do you know? We have a very good hand experience in this questionnaire method. आज तुमसे पूछना पड़ेगा, हाँ हमको तो पता ही नहीं क्या होता है questionnaire. बेटा भूल गए, scrap book. We have played with our friends बचपन में, एक छोटा सा book खरीद के लाते थे, scrap book बनाएंगे, what is your name, who is your favorite crush. हाँ बनाया ना बेटा, वही है questionnaire. जाके कलेक्ट करवाओगे तो इन्यूमरेटर्स, मेल कर दोगे तो मेल्ड. तो क्वेश्चन इज पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन प्री डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड मैटर. सो वी विल कम डाउन टू दैट. फर्स्ट इंटरव्यू मेथड. नाउ इंटरव्यू इज वन टू वन और एन इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू. नाउ व्हाट इज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज विच एमएनसीज आर टेकिंग, पीपल हु वॉन्ट्स टू वर्क इन एमएनसी आर टेलीफोनिक इंटरव्यू. दे डू नॉट make you spend that you come by flight, give the interview and then you nahi ghar baithe baithe phone se interview ho jata hai. It's a telephonic interview or a Skype interview. Theek hai. So in personal interview method, the investigator meets the respondents directly and collects the required information then and there from them. In case of a natural calamity like a super cyclone or an earthquake or an epidemic like plague, we may collect the necessary data much more quickly and accurately by applying this method. Beta, jis pe beeta hai na, wohi bata sakta hai. Jab earthquake hota hai, you will see that reporters go home to home and ask, aapko kaisa laga, kya mehsoos hua, apne kya dekha. Theek hai, agar, say for example, state X mein bhukamp aaya hai, state Y se puchoge, kaisa laga, tu kya batayega? हाँ, I also felt certain kind of. भाई कैसे कैसे पॉसिबल है? जिसके ऊपर बीता है उससे पूछो तकलीफ क्या है. सो वेन देर इज अ नेचुरल कैलामिटी, सुनामी आया भाई, सुनामी सुनामी आया. हम तो कलकत्ता में बैठे थे, हम क्या, हमको क्या लगेगा? हाँ अरे मत पूछिए, बहुत भयानक वेव आया था. नहीं, हमसे मत पूछो, वहां जो था ना उससे पूछो. केदारनाथ इंसिडेंट, in all kind of this incident, people have went down right there to collect information because aaj picture bana, aise ban gaya picture. Kaun banaya picture? Kaun diya data? Jo wahan present the, wo bola, haan bhai aise ghar toot ke gira hai. And then that movie has been given a direction. A
अल्टीमेटली मोटिव क्या था, लोगों को ये समझाना था कि नेचुरल चीजों से छिड़कानी नहीं करना चाहिए. इट इज अस हु इज ब्रिंगिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स. वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड, बट वी आर डूइंग इट फॉर आवर प्लेजर एंड अल्टीमेटली नॉट इन अ ईयर, आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी सी टू गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स. क्लियर? If there are some practical problems in reaching the respondents directly, as in the case of a rail accident, then we take recourse for conducting indirect interview where the investigator collects the necessary information from the person associated with the problems. ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब क्या था भाई, रेल एक्सीडेंट हो रहा है, रेल एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गया, तो क्या मैं आज तक न्यूज से संवाददाता विवेक पटवारी पूछना चाह रहा हूं कैसा लग रहा है आपको, हवा आ रही है, ऐसे की बात करते हैं? नहीं, आसपास के लोगों से इनडायरेक्ट तरीकों से समझा जाएगा कि क्या हुआ था. आज ब्रिज गिरते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है, तो जब हमारा कलकत्ता में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, जब ब्रिज गिरा था, ठीक है, द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, द पीपल हु मतलब जिन लोगों के साथ कुछ जो भी हुआ था, वो मतलब उनसे डायरेक्टली कैसे कनेक्ट किया, तो लेकिन जिनको आसपास में प्रॉब्लम हुआ वो बता सकते. तो इन केस ऑफ emergency kind of situation, you always go for a indirect approach. Telephone interview is very quick. Phone ghumaya, pucha, rakh diya. Telephone interview method is a quick and rather non-expensive way to collect the primary data. Kyun non-expensive hai? By telephone ghumaya. Oh ji, oh dandanadan. Oh ji, oh dandanadan. Free hai na bhai? Haan? Nahi. One to one milna bhai. Aankho hi, aankho mein interview karna hai. तो भैया खर्चा करना पड़ेगा, जगह चाहिएगा, एसी चाहिएगा, चाय पानी के लिए पूछना भी पड़ सकता है, कुछ भी नहीं, चलो जगह तो चाहिएगा. एवरी प्लेस एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस विद दैट पर्टिकुलर रेस्पेक्ट हैज गॉट सम कॉस्ट. तो इसीलिए टेलीफोन क्या है, क्विक है, नॉन एक्सपेंसिव है. आगे पढ़ते हैं. वेर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाई द रिसर्चर हिमसेल्फ बाई कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू ओवर द फोन, द फर्स्ट टू मेथड्स आर मोर एक्यूरेट, आर इन एप्लीकेबल फॉर कवरिंग अ लार्ज एरिया. जगह जगह थोड़ी, रणवीर कपूर सब कोई थोड़ी है भाई, पूरा दुनिया घूम करके डेटा निकाल के लेकर आएगा, इंडिया में खुद घूमेगा, बाकी जगह फोन करके पूछेगा हाँ क्या देखा, मेल कर दे, कर दे, वो कर दे. दो लेस कंसिस्टेंट हैज वाइड कवरेज, सो विच इंटरव्यू मेथड हैज गॉट द वाइड कवरेज, टेलीफोन इंटरव्यू. विच इज लेस एक्यूरेट, टेलीफोन इंटरव्यू. विच इज नॉन एक्सपेंसिव, टेलीफोन. विच इज क्विक, टेलीफोन. अर्थक्वेक में कौन सा इंटरव्यू, पर्सनल. रेल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट. ठीक है, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम फॉर दिस थर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. ऑब्वियसली नहीं उठाएगा, आजकल तो ट्रू कॉलर आ गया, स्पैम, ऐसे इग्नोर कर देते हम लोग, ठीक है ना. मेल्ड क्वेश्चनर मेथड कंप्राइजेस ऑफ फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस्ड क्वेश्चनर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. दिस व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बिकॉज एवरी पीपल हु इज डूइंग अ ग्रेजुएशन कोर्स नीड्स टू मेक अ प्रोजेक्ट. उनको देयर इज, दिस इज अल्टीमेटली कोर्स करिकुलम में आता है, हम लोग को MBA करना है या हम लोग को कोई भी कोर्स करना है, तो प्रोजेक्ट वर्क इज अ वेरी कॉमन थिंग. उस प्रोजेक्ट वर्क में व्हेन वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा वी यूज इट प्राइमरी डेटा. हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल अबाउट द डीमोनेटाइजेशन थिंग विच हैपेंड वे बैक इन 2016, इफ आई वांट टू नो द ग्रीवेंसेस, मेरे को दुखड़ा जानना है इंसान का, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चनर बनाएंगे. बेटा क्वेश्चन बना लोगे, बहुत सिंपल है, बट पहला बात तो क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए एंड पहला बात सीक्वेंस होना चाहिए उसमें. पहले पूछा सर, फिर चले गए एकदम नाखून में, टोका नाखून में, तो नहीं चलेगा ना. यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली, बिकॉज आई हैव बीन चेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. व्हेन आई सी द क्वेश्चन हियर, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, डन. सेकेंड, योर क्वालिफिकेशन. फर्स्ट टेल मी दिस थिंग, if you have mentioned that you are doing a survey between the students, how does this question is relevant, what is your qualification. Ek undergraduate student ka kya qualification hoga, kya qualification hai, 12th pass,
पता ही है भाई, ग्रेजुएशन में तो 12 पास करके ही आया, 10 के बाद तो डायरेक्टली आ नहीं गया होगा, आप समझ रहे हैं? तो रेलिवेंस होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है? हो गया। अब आप सैलरी स्ट्रक्चर डाल रहे हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, आगे बहुत काम आएगा। आप क्वेश्चनर बना रहे हो और सैलरी स्ट्रक्चर डाल रहे हो। मैं सैलरी स्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ 20 to 30, 30 to 40। एक अंडर ग्रेजुएट का सैलरी 20 से 30, मैं हम छोड़ देंगे सब कुछ भाई, 0 से 5 हजार, 5 हजार से 8 हजार, 8 हजार से 12 हजार, अबव 12 हजार, दिस शुड बी द क्वेश्चनियर प्लेटफॉर्म। आप चीज को समझ रहे? आप क्वेश्चन बना लोगे बट उसका रेलिवेंसी होना चाहिए, दैट शुड बी वेल सिक्वेंस्ड। सैलरी का क्वेश्चन कब पूछोगे, फर्स्ट में या लास्ट में? ऑब्वियसली फर्स्ट में, उसके हिसाब से तो वो आगे बढ़ेगा ना। आज ना हम एजेंट है, हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं, हम एक क्वेश्चनियर बनाए हैं, क्लास में बांट दिए क्वेश्चनियर, उस क्वेश्चनियर से फिर हम क्या अगर स्टडी करेंगे किसको हम टारगेट कर सकते हैं फॉर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अ स्टूडेंट हु इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, क्या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा? ये करेगा? नहीं करेगा, पैसा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा। लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास थोड़ा सेविंग्स है, जो कि मेरा क्वेश्चन था, डू यू हैव सेविंग्स, बोलेगा यस। मैंने उससे ये नहीं पूछा कितना, इट कैन बी 5 रुपीज, इट कैन बी 50,000, बट आई आस्क डू यू हैव सेविंग्स। इफ अ स्टूडेंट सेज ही और शी हैज सेविंग्स, आई कैन पिच इन टू दैट स्टूडेंट दैट वॉट एवर सेविंग्स यू हैव, प्लीज गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। सो यू शुड बी सिक्वेंसिंग योर क्वेश्चन वेरी गुड। सो द मेल क्वेश्चन मेथड कंप्राइजेज ऑफ फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सिक्वेंस क्वेश्चन कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन एंड सेंडिंग देम टू द रेस्पॉन्डेंट्स विद द प्रीपेड स्टैम्प आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चन। ऑल दो वाइड एरिया कैन बी कवर्ड बट स्टिल क्या होगा, मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स, मेल देखा नहीं या मेल मेरा स्पैम में चला गया, उस काइंड ऑफ चिंक चीज आएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, वाह कानून कानून, तुम जो बोल रहे हो उस पर भरोसा नहीं करती है, कानून जो अपनी आंखों से देखेगी सबूत उस पर भरोसा करती है। इन ऑब्जर्वेशन मेथड डेटा आर कलेक्टेड एज इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ ए ग्रुप। ए तुम्हारा हाइट कितना है? 7 इंच। हाँ ठीक है, 7 फीट जो भी होगा। ए तुम्हारा हाइट कितना है? 6 फुट। ठीक है, फोन में पूछ ले रहा हाइट, भैया हाइट फोन में पूछ रहे हो, कितना एक्यूरेट बताएगा कितना आदमी? इंडिया में आधा आदमी को तो अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है, इस में क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन मेथड, हाइट एंड वेट तो ऑब्जर्वेशन मेथड। हमसे कोई पूछ रहा है, ए तुम्हारा वेट कितना है? 70। फोन आया बोल दिया 70, बट ये ऑब्जर्वेशन में अगर हम बोलते 70 क्या मान लेता वो, वेट मशीन लेकर आता चढ़ाता देखता डबल है। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें आपको क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड ही यूज करना चाहिए। ऑल दो दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, सो ओवरऑल विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन? ऑब्जर्वेशन मेथड, बट इट इज रादर टाइम कंज्यूमिंग, लेबरस एंड कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज फॉर लार्जर इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सन हु आर सर्वेड, इन्यूमरेटर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्सन। देखिए मेट्रो के बाहर खड़े रहते हैं एक लंबी पर्ची लेकर के, डू यू नो अबाउट CSR? यस। व्हाट इज नेम, मतलब इन्यूमरेटर्स मतलब क्या, उसको रेडी करके भेजते हैं जाओ इंटरव्यू लेकर आओ सबसे, दैट इज इन्यूमरेटर्स, जो क्वेश्चनर तुमसे पूछ के फिर खुद फिलअप करते हैं। सो बेसिकली कितना मेथड है, 4। क्या क्या है? इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनियर सेंड बाय इन्यूमरेटर्स। इंटरव्यू में कितना है? 3। पर्सनल फॉर अर्थक्वेक, इनडायरेक्ट फॉर रेल एक्सीडेंट, टेलीफोन इज नॉन एक्सपेंसिव, क्विक, वाइड एरिया विथ मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स। ठीक है, ओवरऑल कौन सा बेस्ट है? पर्सनल। ओवरऑल पूछेगा तो पर्सनल आंसर करना। इंटरव्यू में विच इंटरव्यू मेथड इज बेस्ट ओवरऑल, दैट इज पर्सनल। स्पेसिफिकली रेल एक्सीडेंट बोलेगा तो इनडायरेक्ट, अर्थक्वेक बोलेगा तो डायरेक्ट। ठीक है, वाइड एरिया कवर करना होगा तो टेलीफोन, हाँ डायरेक्ट। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग,
मिल्ड क्वेश्चन है, वाइड एरिया बट मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स. उसके बाद क्या पड़े, ऑब्जर्वेशन बेस्ट मेथड ओवरऑल बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेकेंडरी डेटा, दैट इज डेराइव डेटा एंड जनरली वी यूज अ वेरी जेन्युइन सोर्स, दैट इज गवर्नमेंट सोर्स ही यूज होता है, लाइक इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक WHO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, ICAR, NCERT, अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसोर्स एक्सेट्रा. तो दिस आर द प्लेसेज फ्रॉम विच यू कैन कंटेन द डेराइव डेटा. इंडिया का पॉपुलेशन किस तरह चलेगा, सेंसस से, ठीक है ना. नेक्स्ट स्क्रूटनी ऑफ डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट द स्क्रूटनी ऑफ डेटा इट इज नॉट रिलायबल टू यूज इट, बिकॉज आप खाली कलेक्शन ऑफ डेटा कर ले रहे हो बट उसको एक बार स्क्रूटनी कर लो. स्क्रूटनी करने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर डेटा पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है. बिना स्क्रूटनी के लिए पूछेंगे ना हाउ इज द जोश, लो सर, इफ यू से हाई यू आर इन अ बिग रिस्क, यू आर इन अ बिग रिस्क. यू नो whenever we upload certain kind of marks there is always multiple levels. First is uploading marks and then second is verification of marks. That verification of marks is scrutiny, whether I have uploaded my work correctly or not, and then again then final authorization. Whenever we used to do audit in a particular firm, internal audit basically, so each and every transaction which is happening in the company was routed through us. Rooted through us, मतलब we were one of the approvers. So even if the accountant makes any mistake, even if the HOD, head of department makes any mistake, we as an auditor makes scrutiny of each and every transaction so that after processing of us, final approval was of the board of management and they could easily approve it. So internal auditors are kept basically for scrutiny of data. चीज को समझो, अकाउंटेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. जब लार्ज कंसर्न होता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. सो वी आर द स्क्रूटनियर हु स्क्रूटनाइज द डेटा एंड वी एक्ट एज अ लिंक फ्रॉम अकाउंटेंट टू मैनेजर. सो व्हेन द डेटा इज स्क्रूटनाइज्ड बाय अस, मैनेजर कॉन्फिडेंस इज high about that particular transaction, he simply approves it and makes the payment. So now when you ask after the scrutiny of data how is the josh, it's very high sir. Let us read down. Since the statistical analysis are made only on the basis of data, it is necessary to check whether the data under consideration are accurate as well as consistent. No hard and fast rules can be recommended for the scrutiny of data. Jitna time lagana hai, jaise karna hai karo, but the data should be reliable and it should be relevant for the purpose determined. One must apply his intelligence, patience and experience while scrutinizing the given information. So what are the personal attributes you require for scrutiny of data? One is patience, second is experience, third is इंटेलिजेंस. आपको IPS लगाना है, लिखो पर्सनल एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट दैट शुड बी प्रेजेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट दैट शुड बी प्रेजेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ स्क्रूटनियर IPS. Intelligence, patience, experience. S. Intelligence, patience, experience. Intelligence, patience, and experience. Clear? बेटा हम बता दे रहे हैं, ये भले अब 5 पेज ही पढ़ाए तुमको एक घंटा में, इस 5 पेज सब कोई भी MCQ तुमसे पूछेगा ना, चुटकी बजा के तुम लोग आंसर करेगा. टेस्टिंग करना है तुम लोग, अभी लाइव टेस्टिंग कराएंगे. चलो हम तुम लोग को 10 MCQ बोले, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा. तुम लोग देगा, हम नहीं देंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस मीन्स, ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा आपके पास हूँ,
भले हम लोग फिजिकली उतना क्लोज नहीं है बट मेंटली वी ऑलवेज बी क्लोज. स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मीन्स नंबर ए स्टैटिस्टिकल डेटा, नंबर बी स्टैटिस्टिकल मेथड, नंबर सी इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, नंबर डी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. मेरे बच्चे को पता था सिंगुलर सेंस बोला है इसका मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है. सेकंड, वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टा व्हिच मींस, व्हिच स्टैटिस्टा का मतलब क्या होता है वहां जाके लिखो, पॉलिटिकल स्टेट. वो जो चारों वर्ड था ना उसका अल्टीमेट मीनिंग इज पॉलिटिकल स्टेट. इट्स पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट. नेक्स्ट, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चन लिख लो, नहीं मिलेगा आपको आपके बुक में. डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, नंबर ए इनसफिशियंट स्टैटिस्टिकल मेथड, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, नंबर ए इनसफिशियंट स्टैटिस्टिकल मेथड, नंबर बी लिमिटेड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नंबर बी लिमिटेड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नंबर सी मिसयूज ऑफ अनस्क्रपलस एलिमेंट्स, मिसयूज ऑफ UNSCRUPLOUS, misuse of unscrupulous elements, number D none of the above, number D none of the above. Kya hoga? Obviously C hoga. Distrust abhi to aaya na, we use it very wrongly. Number 4 pad rahe hain, suno dhyan se. Statistics deals with number A इंडिपेंडेंट डेटा, नंबर बी क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर सी क्वालिटेटिव डेटा, नंबर डी बोथ बी एंड सी. आंसर क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा. स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल डेटा. इन एंशियंट टाइम स्टैटिस्टिक्स वॉज नोन एज, ये लिख लो, इन एंशियंट टाइम्स स्टैटिस्टिक्स वॉज known as, in ancient times statistics was known as, number A the science of kings, number A the science of kings, number B the science of statecraft, number C political arithmetic, political arithmetic, number D all of the above, all of the above. So the answer will be all of the above. Clear? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. Errors in data may creep in while writing or copying the answer on the part of the enumerator. Obviously, errors are human made. We are not God. Even God make mistakes. So human has to make it. So errors in data may creep in while writing or copying the answer on the part of the enumerator. A keen observer can easily detect that type of error. Again, there may be two or more series of figures which are in the some way or related to each other. If the data for all the series are provided, they may be checked for internal consistency. If the data for population area and density for some places are known, we may verify whether they are internally consistent by examining whether relation holds. Density ka matlab kya hota hai? Area by population holds. Hum bol rahe hain yahan pe 1 crore aadmi rehta hai aur density yahan ka 500 hai.
उतना एरिया भी तो होना चाहिए कोलकाता में, 50 लाख 60 लाख समझ में आता है, 1 करोड़। एग्जाम्पल लिए जस्ट छोटा सा, ठीक है, अ गुड स्टैटिस्टिशियन कैन ऑल्सो डिटेक्ट वेदर द रिटर्न सबमिटेड बाई सम इन्यूमरेटर्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम टाइप, देयर बाई इम्प्लाइंग द लैक ऑफ सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ इन्यूमरेटर्स। वेरी गुड पॉइंट। ऐसा हम लोग भी करेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। 50 क्वेश्चनर मिला हम लोग को, बोला है कि 50 लोग का सर्वे करना है, आप क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 10 आदमी का लेंगे और फिर खुद से कॉपी पेस्ट कर देंगे वही सेम चीज। तो वही बोल रहा है, जब बैक टू बैक लगेगा सेम टाइप का रिस्पॉन्स है, इसका मतलब देर वॉज अ लैक ऑफ सीरियसनेस इन द इन्यूमरेटर, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी फॉर एवरी पर्सन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर डिफरेंट। से फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्टिकुलर बॉय सिटिंग इन द फ्रंट डज नॉट लाइक टू क्लास ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम, बट द बॉय सिटिंग बिहाइंड हिम ही लाइक्स टू डू क्लास आफ्टर द आफ्टरनून टाइम बिकॉज ही फील्स स्लीपी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेर एज द पर्सन सिटिंग एट द बैक ही डज नॉट लाइक्स टू डू क्लास एट ऑल, ही सिंपली सेज ओके लीव इट, विल डू इट लाइक दिस ओनली, आपके आशीर्वाद से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब क्या था, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आर इन मैक्सिमम केसेस डिफरेंट। सो वेन अ सर्वे सर्वेस थ्रू इन्यूमरेटर एंड वी सी दैट द रेस्पॉन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेज आर कॉमन, वी कैन इजिली ट्रैक डाउन दैट दे वर नॉट सीरियस एंड द सर्वे हैज नॉट बीन कंडक्टेड अप टू द मार्क। देयरफॉर रिपोर्ट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्वे इज गोइंग टू बी अ फॉल्स, अ वेग रिपोर्ट। क्लियर? The bias of the enumerator also may be reflected by the return submitted by him. This type of error can be rectified by asking the enumerators to collect the data for the disputed case once again. Next, we move on to presentation of data. Once the data are collected and verified for their homogeneity and consistency, we need to present them in a neat and condensed form, highlighting the essential features of the data. एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेटा कलेक्ट करने से नहीं होता है, उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, एंड द प्रेजेंटेशन शुड बी इन अ वेरी नीट एंड कंडेंस्ड फॉर्म। सो बेसिकली वी आर क्लासीफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड दे हैव गॉट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। यू शुड ऑलवेज नो वाई वी आर क्लासीफाइंग डेटा, इफ यू डू नॉट नो द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द पर्पज डूइंग इट, यू विल नेवर डू इट करेक्टली एंड सीरियसली। First, it puts the data in a neat, precise and condensed form so that it is easily understood and interpreted. First of all, we should know that the data which we are classifying now is to make a lot of people understand. So it should be neat. It should be neat in the manner, the presentation should be clear and in an understandable format. So the person who is going to draw inference from it can draw conclusion in a effective and efficient manner. Comparison possible hona chahiye. Agar compare nahi kar payenge to kya fayda fir? So whenever you are presenting a data, you should always make it comparable. Statistical analysis is possible only for the classified data, and you should classify it very well. If you do not classify the data collected, the statistician will never be what? वो क्या नहीं कर पाएगा? Will never be able to analyze it. Analysis are done by time series analysis, regression analysis, correlation analysis, center of tendency, measure of dispersion, etc. It eliminates unnecessary details and makes data more readily understandable. We all know we take part in a lot of events, and we generally take part in a lot of events via registering in a social website, theek hai, and we give a lot of information. But a person who is now wanting us to remind that we have an event tomorrow, that particular person is only in the requirement of two things. Number one, name. Number two, phone number. That's it. If the person who is going to call up gets this two information, does he require your address? Does he require your
extra details? No. So what is the thing? When we classify the data, depending upon the nature and use, we eliminate the unnecessary details. Now it can be classified as chronologically. What do you mean chronologically? Year-wise. Geographically means area-wise. Qualitative means characteristic-wise. And quantitative is number-wise. When the data are classified in respect of successive time points or intervals, they are known as time series data. The number of students passed appeared for CA final for the last 20 years, the production of a factory per month are examples of time series data. So time series data mein kya hota hai? Chronological classification of data hota hai, that is year wise or month wise. Next is data arranged region wise. East mein kitna hai, west mein kitna hai, south mein kitna hai, central mein kitna hai, waise karke. Data arranged region wise are known as geographical data. If we arrange the students appeared for CA final in the year 2015 according to the different states, then we come across geographical data. Data classified in respect of an attribute are referred to as qualitative data. Data is around nationality, gender, smoking habit of a group of individuals, examples of qualitative data. Lastly, when the data are classified in respect of a variable, say height, weight, profit, salaries, etc., they are known as qualitative quantitative data. Jab hum log attribute ke basic pe data nikalte, that is qualitative. Jab hum log numbers ke basis pe data, that is quantitative. Data may be further classified as frequency data and non-frequency data. Frequency ka matlab kya hota hai? Number of times a particular variable is repeating. Or number of person they are coming up in a particular class of data. Jaise maan 0 se 5 ke beech mein 10 aadmi hai. That is frequency data. Theek hai, non-frequency ka matlab kya hota hai? Uska koi repetition hai nahi. It's a kind of simple series. The qualitative as well as quantitative data belong to the frequency group, whereas time series data and geographical data belong to non-frequency group. Very important. Ye line hi important hai. Ki data ko hum log do types se classify kar sakte hain. Ye copy mein tum log bana lega to better rahega mere hisab se. But uncommon sa cheez hai. Normal classification sabko pata hai, chronological, geographical, quantitative and qualitative. Ye lekin thoda alag hai thoda sa. डेटा से दो एरो निकाल के फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी, डेटा से दो एरो निकाल करके फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और नॉन फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखेंगे टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल, टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल, टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल, टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल. टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल, क्लियर. मूविंग अप टू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. वन इज टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन, ब्रैकेट में लिखो पैराग्राफिक फॉर्म. One is textual presentation, that is paragraphic form. Tabular presentation, that is in number of rows and columns. Tabular presentation in number of rows and columns. Diagrammatic representation, kya likhenge? With the help of graph, charts, etc. With the help of graph, charts, etc. So basically we are dealing with three kinds of presentation. One is paragraphic, that is textual presentation. Another one is tabular, that is in the way of rows and columns. And the third one is diagrammatic representation with the help of, with the help of what? With the help of diagrams. With the help of what? Diagrams. Theek hai? So now what I want to ask you is this. Just hold on for a minute because you're studying a lot. Take a short sitting life break of 30 seconds.
Okay. So we will move to थोड़ा सा एक फनी एक्सप्लेनेशन फॉर विच आई वॉज प्रिपेयरिंग, एकदम लाइव एग्जाम्पल लेंगे. से फॉर एग्जाम्पल आपको मुझको समझाने को टेक्सचुअल का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, पैराग्राफ, ठीक है. टैबलर का मतलब समझ में आ जाएगा आप लोग क्या. बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वॉट दीपिका पादुकोण इज इन अ टेक्सचुअल फॉर्मैट. दीपिका पादुकोण इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज गॉर्जियस, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स. नॉर्मली चीज को समझना है आपको कि वंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग थियोरेटिकली पैराग्राफिकली, यू विल नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड. इट इज वेरी मोनोटोनस. फिर भी टैबलर प्रेजेंटेशन इज फिर भी ओके. बट इफ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, if I want to attract the crowd, if I want to be very presentable, I will include charts and diagrams. You know what chart and diagrams help in? First of all, diagrams attracts. It is a very attractable format. Diagrammatic representation is a attractive representation, attractive presentation rather than the above. Plus it shows us the hidden trend. मान लो एक लाइन चार्ट बनाया है, लाइन चार्ट ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ जा रहा है. सो व्हाट वी कैन से दैट कंपनी इज ऑन अ ग्रोथ, नीचे जा रहा है तो कंपनी इज डिक्लाइनिंग, फ्लक्चुएट कर रहा है तो कंपनी इज ऑन अ फ्लक्चुएशन मोड, ठीक है. इफ वी प्रिपेयर से फॉर एग्जाम्पल बार डायग्राम, ठीक है, पहला साल 100 था, फिर 110, फिर 121, फिर 134, तो बाई सीइंग दिस इंक्रीमेंट वी कैन ईजिली see that it has an upward trend of 10%. So this hidden trend is what? Is approved by whom? Diagrammatic representation. So see, I said what? Deepika Padukone is very beautiful. No response. Deepika Padukone is very gorgeous. No response. Her smile is killing. No response. Look at this. अब बोलो किस किस को ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह की जगह तुमको होना चाहिए था. इट इज क्वाइट नेचुरल कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू हैव द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड फाइंडिंग आउट व्हाट हिडन ट्रेंड, ठीक है. अब इतने कम समय में यही मिलेगा. Just and technique to explain you. So, can I just remove it? It will be removed with the help of a. चलो ठीक है. Next, paragraph formula को monotonous. Paragraphic formula को monotonous. एग्जाम्पल देख सकते हैं, इतना फीमेल है, इतना मेल है इन द ईयर, वो चीज तो मोनोटोनस है बट सिंपल है. बट सिंपल है. टैबुलर में क्या लिखा? बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मोस्ट एक्यूरेट. टैबुलर में लिखो मोस्ट एक्यूरेट, दैट इज बेस्ट वे बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन इन अ रो एंड कॉलम with all the reference number and title number, everything. And the most important thing, what tabular representation helps us in comparison. एक चीज बता मेरे को, अगर मैं टेबल ही नहीं बनाऊंगा तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा? डायग्राम्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल. तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेप लैडर टुवर्ड्स व्हाट? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. कौन कौन देखा रन रेट का चार्ट ओडीआई मैच या टेस्ट मैच में? रन रेट का चार्ट दिखाता है ना फर्स्ट 10 ओवर्स का, एक का ऐसे ऐसे से कर जाता है, एक का मान लो सनराइजर्स हैदराबाद का ऐसे ऐसे से गया, ठीक है, लेकिन आरसीबी का ऐसे ऐसे चला गया. हंसू मत, क्या हुआ, जो फैक्ट है, ठीक है. तो वी कैन सी द कंपैरिजन. बट इस चार्ट को बनाने के लिए यू नीड व्हाट? टेबल. इस चार्ट को बनाने के लिए व्हाट? टेबल, ठीक है.
चलो, इसका चार पार्ट होता है, क्या क्या? कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। लिखो, अ टेबल हैज गॉट फोर पार्ट्स, अ टेबल हैज गॉट फोर पार्ट्स, कैप्शन, अ टेबल हैज गॉट फोर पार्ट्स, कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग, कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग, कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग, और स्टब का मतलब होता है रो हेडिंग, स्टब का मतलब होता है रो हेडिंग, स्टब का मतलब होता है रो हेडिंग, STUB, टब नहीं बोल रहे, स्टब बोले, स्टब का मतलब होता है रो हेडिंग। बॉक्स हेड का मतलब होता है टाइटल, ठीक है, वो सब चीज कंटेन करता है। एंड बॉडी मतलब द मेन फैक्ट्स, द मेन फिगर्स आर कंटेन्ड इन द बॉडी ऑफ द टेबल। अब दो चीज आएगा, फुट नोट एंड सोर्स नोट। सोर्स नोट का मतलब होता है ये डेटा कहां से लिया गया है, फुट नोट का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स विच आर एम्बिग्यूस इन द टेबल। लिखो, सोर्स नोट, सोर्स नोट helps us to know, source note helps us to know, source note helps us to know the source oblique reference, oblique reference of the website, कॉमा जर्नल एक्सेट्रा फ्रॉम वेयर द फैक्ट्स हैव बीन कलेक्टेड, फ्रॉम वेयर द फैक्ट्स हैड बीन कलेक्टेड, फ्रॉम वेयर द फैक्ट्स हैड बीन कलेक्टेड। नेक्स्ट लाइन, फुट नोट, फुट नोट इज गिवेन for a clear explanation, footnote is given for a clear explanation for the things, for the things which are ambiguous, which are ambiguous to understand, which are ambiguous to understand, which are ambiguous to understand, which are ambiguous to understand in the table, in the table। देख सकते हैं आप table, ये caption हुआ, ये row heading हो गया stub, ये जो numbers लिखा हुआ, this is body of the table, footnote में समझाया गया है TU का मतलब क्या होता है। अब TU का मतलब तो तेरा उम्र भी हो सकता है ना, ठीक है, तो TU का मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन, तो वही सब चीज है। अब देख सकते हैं आप, चार पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि यूजुअली प्रेफर्ड टैबुलेशन मेथड इज, टैबुलेशन मेथड इज प्रेफर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ड्यू टू, नंबर वन, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, नेक्स्ट अप इज complicated data are represented using tabulation, it is a must for diagrammatic representation, obviously I said you, without tabulation statistical analysis of data is not possible or rather very difficult, bracket mein likh lo, very difficult, very difficult, very difficult। Next is diagrammatic representation of data, another alternative and attractive representation, is it attractive, yes or no, yaad rahega aapko, which method is the most attractive method, ab bolo, very good, so another attractive another alternative and attractive representation of a statistical data is provided by what, charts, diagrams and pictures, so I used what, picture।
Unlike the first two methods of representation of data, diagrammatic representation can be used for both the educated section and uneducated section. सही बोला ना? अब एक गवार को दिखाओ या पढ़ा लिखा हुआ दिखाओ, दोनों क्या बोलेगा? वाह क्या हंस रही है. ठीक है, हो सकता है वो हिंदी में बोला, तुम इंग्लिश में बोलेगा गॉर्जियस स्माइल, वो बोलेगा वाह क्या सुंदर हंसी है. ठीक है, बोथ मीन्स सेम. सो एडुकेटेड सेक्शन एंड अनएडुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. फर्दर मोर एनी हिडन ट्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन ट्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन ट्रेंड present in the given data can be noticed only in this mode of representation. So which mode of presentation shows us hidden trend? Diagrammatic presentation. However, compared to tabulation, this is less accurate. So if there is a priority for accuracy, we have to recommend tabulation. ठीक है, तो लिखो, in respect of accuracy tabulation method is preferred. In respect of accuracy, tabulation method is preferred. Tabulation method is preferred. Clear?